अंकल सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप देखिए ना, 50 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? और मुझे थोड़ी ना पूरी जमीन लीज पर चाहिए, मुझे थोड़ा कोई स्टेडियम खोलना है। अच्छा, मतलब आप टुकड़ों में जमीन को लीज पे नहीं देना चाहते, एक साथ देना चाहते हैं। अंकल अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनिए 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 अंकल, मैं ना आपको थोड़ा सोच के बताती हूँ। हाँ हाँ ओके ओके, तुम्हारे की यार क्या सोच के बताऊं, पैसे ही नहीं है। कॉफी यार, काम छोड़ छोड़ कर कॉफी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? छोड़ो यार, तुम्हें बताने से क्या फायदा? मतलब मुझे बताने से क्या फायदा? मतलब यार ये तुम्हारा क्या काम है, आवारा गर्दी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जुआ खेलना, शराब पीना, घर आके सो जाना, इसके अलावा तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई भी इल्म है? तुमने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। जी ये वही राग है जिसमें घरेलू जिम्मेदारियों के सुर हैं। ये वही राग है जिसे मैं इतने सालों से अकेली अकेली अलाप रही हूँ, लेकिन आपको उस राग का एक सुर भी नहीं पता है ना। मतलब मेरी बेरोजगारी पे तंज मारने शुरू कर दिए आपने। हाँ 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 हाँ, मार रही हूँ, मार रही थी और मारती रहूंगी, तब तक मारती रहूंगी जब तक तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो जाता। किसने कहा आपको कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर एहसास होता ना तो ये नौबत ना आती। बताओ कि कौन सी नौबत आ गई है? यार शर्मा अंकल का फोन आया था, कह रहे थे कि जिस जमीन पर मेरी ग्रूमिंग क्लासेस चलती है उस जमीन को वो लीज पे देना चाहते हैं। वो तो बहुत बड़ी जमीन है यार। यही तो प्रॉब्लम है, और वो ये जमीन टुकड़ों में लीज पे नहीं देना चाहते, वो एक ही पार्टी को पूरी जमीन लीज पे देना चाहते हैं। उनसे ये कहो कि जहाँ तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस चलती हैं वो एरिया छोड़ के बाकी दे दें लीज पे, क्या प्रॉब्लम है? सो सिंपल यार। रियली? ओह माय गॉड, व्हाट आईडिया, मैंने क्यों नहीं सोचा पहले यार, क्या आईडिया है? ये आईडिया मेरा है और आईडिया के पैसे लगते हैं, पैसे दीजिए। चाचा तुम मुझे पैसे दो, 50 लाख रुपए। पचास लाख रुपए? मैं, कम ऑन यार, जोकिंग, मैं कहां से लाऊंगा यार? That's not my problem. कहीं से भी लाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। Relax, calm down. यार तुम क्या पागल हो गए हो क्या यार? तुम देख रहे हो कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। Relax, शांत हो जाओ। यार मेरी रोजी रोटी की जाने की नौबत आ गई है, तुम कह रहे हो रिलैक्स से मत बोलो कुछ। यार कोई और जगह शिफ्ट कर जाओ ना यार। गुड आइडिया। एक काम करती हूँ, रामघाट के ना जंगलों में चली जाती हूँ, वहां फ्री की जमीन भी मिल जाएगी, और वहां जो वो शेर भालू होंगे ना उनके साथ भी अपनी ग्रूमिंग क्लासेस भी चला लूंगी। यार मैं कब कह रहा हूँ कि तुम जंगलों में चली जाओ यार। प्लीज कुछ मत कहो ना, 50 लाख रुपए लाके दे दो मुझे। क्या है मजाक है, 50 लाख लाके दे दो? फिर वो तुम ना कैजुअली मत लो, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए किसी भी कीमत पर, नहीं तो मैं तो इंडिया ही छोड़ दूंगी। Canada is a nice place to go, huh? Excuse me, अनीता मिश्रा यहाँ तशरीफ फरमा करती है? दुरुस्त फरमाया आपने, आपकी पहचान? जी, खाकसार को एडवोकेट फकीरा कहते हैं। वॉन्की सा कॉम्बिनेशन है, फकीर भी है और एडवोकेट भी है। आइए बैठिए, प्लीज सलाम। जी थैंक यू। ओह आई एम सॉरी। छूट गया था, सॉरी। जी आपको मुझसे क्या काम है? जी तंजानिया में आपके अंकल तशरीफ फरमा थे। ओह या, दरअसल मेरे मौसा जी तंजानिया में रहते ही हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तशरीफ फरमा थे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मैडम, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बेबो मेरे मौसा जी, बेबो सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड,
और उनकी करोड़ों की जायदाद का क्या हुआ? जी वो तो उनके बेटों में बराबर में बांट दी गई है। क्यों आए आप? आपके अंकल ने मरने से पहले मुझसे एक अंगूठी का जिक्र किया था जिसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। तो क्या अंकल वो अंगूठी आपके लिए छोड़ गए हैं? बेबी, मैंने तो सिर्फ 50 लाख मांगे थे, भगवान ने 1.5 करोड़ दे दी। यू लकी गर्ल, यू लकी गर्ल। हाँ वो अंगूठी, वेयर इज इट? कहाँ है वो अंगूठी, किधर है? दीजिए ना। बैंक के लॉकर में है, सेफ में है, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। ओ दैट इज ओके, हो जाएंगी। शी विल डू इट, शी विल डू एवरीथिंग। तो ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी हो जाएगा, मैं अभी ले आती हूँ। और हाँ, 10,000 रुपये भी ले आइएगा। 10,000 क्यों? क्योंकि वो लॉकर की फीस है। भाई इतनी बड़ी 1.5 करोड़ की चीज के लिए इन 10,000 रुपये भला क्या चीज है? ऑफ कोर्स, अबे अभी लेके आती हूँ। तुम चाय पानी जरा। लड़ जाई है तो मनवा माँ, कसक हुई बेकरी, प्रेम का फुटी है पटाखा तो धमक हुई बेकरी। नैन लड़ जाई। भाभी सही कहा आपने, जब नैन लड़ते हैं तो मन में कसक होती है, लेकिन ये कमबख्त प्रेम का पटाखा है ना, ये नहीं फूट रहा। हम कब से अपने चाहत के पलीते में आग लगाए बैठे, लेकिन पटाखा नहीं फूटता। आप कहा बोलते ना, हमारे कछु ना ही समझ आता है। जाने दीजिए भाभी जी, फॉरगेट इट। भाभी जी मैं आज कितना 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 खुश हूँ, आई कांट टेल यू। वो तो आपकी शक्ल से ही दिख रहा है, लेकिन किस बात का खुशी है? भाभी जी मैं करोड़पति हो गया हूँ, मतलब होने वाला हूँ, बट मेंटली मैं हो चुका हूँ करोड़पति। आप करोड़पति होने वाले हैं? यस भाभी जी। लेकिन क्या फायदा है, वो चाचा जी तो जब भी आते हैं आपके मुंह पर वसीयत फाड़ के चले जाते हैं और आपका पोपट हो जाता है। भाभी जी इस बार मेरा पोपट नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरे करोड़पति बनने में मेरे चाचा जी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इस बार मेरे करोड़पति बनने में अनु के चाचा जी का, यानी कि तंजानिया वाले चाचा जी का हाथ है। उन्होंने मरने से पहले अनु के नाम 1.5 करोड़ की अंगूठी वसीयत कर दी है। क्या बात कर रहे हैं? That's right, 1.5 करोड़ का अंगूठी। That's right, अभी जी उसमें एक नया किस्म का डायमंड लगा हुआ है, एक सॉलिटेयर है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। बाबू जी क्या बात कर रहे हैं, हमको भी अंगूठी देखना है। ऑफ कोर्स भाभी जी, व्हाई नॉट? नहीं ना बच्चे ना, तो मैं अपने हाथ में वो अंगूठी पहना दूं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आज शाम को हमने एक बड़ी शानदार पार्टी रखी है, तो आप प्लीज अपने बैगेज को, मतलब अपने लड्डू के भैया को लेके आइएगा, पार्टी का आनंद लीजिएगा और मैं आपको वो अंगूठी भी दिखा दूंगा। ठीक बा, हम जरूर आएंगे। भाई माँ होल्ड ऑन, भैया नजदीक जाइए, भाई माँ के नजदीक जाइए। ये क्या ड्रामा सक्सेना जी? अरे भैया ऐसा है ना कि मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। खासतौर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा सबसे पसंदीदा शौक है, तो मैंने सोचा कि अपना शौक पूरा कर लूं। आई लाइक इट। तो भाभी जी फिर शाम को पार्टी में आपका इंतजार रहेगा। ठीक बा। अबे हमें भी पार्टी में बुला ले। तेरी अम्मा को लेके आ जाइयो पार्टी में, रात को मरता भी नहीं। अभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ मीनल, अरे मेरे तनकपुर वाले सगे मौसा जी। हाँ हाँ, उनका ना तंजानिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, और तुझे पता है मीनल, वो ना मेरे लिए 1.5 करोड़ की अंगूठी छोड़ कर गए। कैन यू बिलीव इट, 1.5 करोड़ की। सुना तूने? हेलो हेलो मीनल, हेलो। जल बुन के राख हो गई, बड़ा मजा आता है उसको जलाने में, वो भी तो मुझे जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। जी आइए आइए बैठिए ना। कैसे हैं आप? बस भाभी जी आपके दर्शनों का टॉनिक मिल गया इस बीमार को, अब चंगे हो गए। आप बिना? हाँ भाभी जी हम बिना। अरे हाँ याद आया, क्या भाभी जी हम ना अंगूरी के साथ मार्केट गए थे,
तो अंगूरी को जो है कुछ ये चांदी की चूड़ियां पसंद आ गई, हमने खरीद ली, सोचा आपके लिए भी खरीद लें, सो ये आपके लिए भी खरीद लाए भाभी जी, ये देखिए। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू तिवारी जी, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। लेकिन तिवारी जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इतना सस्ता आइटम पहनूंगी? माफ कीजिएगा भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं तिवारी जी, एक्चुअली मैं आपको समझाती हूँ। आपने मेरे तंजानिया वाले मौसा जी के बारे में तो सुना ही होगा। है? तंजिया वाले अंकिल? आप तो नाम भी नहीं बोल पा रहे तिवारी जी, दैट्स तंजानिया। अच्छा अच्छा, तंजानिया। दरअसल तिवारी जी, तंजानिया में ना मेरे मौसा जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो मौसा जी ना मेरे लिए पूरे 1.5 करोड़ रुपए की अंगूठी छोड़ कर गए। 1.5 करोड़ की हीरे की अंगूठी? पूरे 1.5 करोड़ की अंगूठी तिवारी जी, 1.5 करोड़। खैर आपने तो देखा नहीं होगा कभी 1.5 करोड़ की अंगूठी। आप तो 4-5 हजार रुपए की अंगूठियां पहनते हैं। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अंगूठी देखना चाहते हैं तो मैंने और विभु ने ना अंगूठी की खुशी में एक पार्टी रखी है, शानदार। आप जरूर आइएगा, अंगूरी जी को जरूर लाइएगा, वो बहुत खुश होंगी। तिवारी जी, आई एम सो सॉरी, मेरी ना बहुत बड़ी गेस्ट लिस्ट है और मुझे पार्टी का बहुत इंतजाम करना है, आई डोंट हैव टाइम। हाँ मैं इनवाइट कर लेती हूँ। हाँ मैं क्या बोल रही थी, आज शाम को ना मेरे घर में पार्टी है। अंगूठी तो आई नहीं, लेकिन भाभी जी में घमंड जरूर आ गया। सेठ जी, जी आप सही नहीं कर रहे, आ गए। ऐसा है, तुम तीनों कमीनों, लीचड़ों, गली के कुत्तों, अगली बार इस मोहल्ले में दिखना भी नहीं, समझे ना? सेठ जी, अभी तक तो हम तमीज से पेश आ रहे थे, मुझे लग रहा है टीका मल खान ये तमीज से पेश आने वाली पार्टी ना है। का कर लोगे बे? ना का कर लोगे? कर तो हम बहुत कुछ लेंगे। टॉमी शू, मेरा मतलब है टीका दिखा दे इसको। क्या सारे हो गई सिट्टी पिट्टी घूम, बहुत देर से तेरी चींची चींची बर्दाश्त कर रहे हैं सारे हम। टीका, इस रामपुरी चाकू से इस भुतने वाले का ना टेटवाई काट दे। अरे कोई बचाओ, मलकान कर रहे हैं सारे। ठहर जाओ ठहर जाओ। ओ दादा, अरे आओ आओ। ओके, कायरे लोंडो, जो का चल रहा हुए? दरोगा जी, बीच में दखल मत ना दो। एक सेकेंड, हम जाए इलाका के दरोगा हैं सारे, हम दखल ना देंगे तो तेरे बाप देगो और तेरे फूफा देगो। दरोगा जी, ये तीन लोंडे ना, ये 3 महीने से मेरा किराया नहीं दे रहे थे, अब जब हम इनको घर से बाहर निकाल रहे तो चाकू चूरा दिखा के हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ना ना, परेशान ना हो, अभी हमने नली निकाली कहाँ है, ठहर जाओ तुम, एक सेकंड रुको, ठहर जाओ। ओ आप, हम का कह रहे हैं, सारे चाकू अंदर रख, अंदर डाल जाको। जेंटलमैन जेंटलमैन, वन फ्रेंडली फोटो प्लीज। ओके। गुड शॉट, आई लाइक इट। हम का के, अरे ऐसू है लोंडो, सारे यार चुपचाप से निकल लियो, अब बहुत हो गई 3-5, नहीं तो सारे गुंडागर्दी करने के चक्कर में अरेस्ट कर लेंगे। चाकू दे 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 सारे कर दे सारे सारे ऐसे। हाँ ओके। 3 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं क्या आशियाना, ढूंढते हैं 3 दीवाने शहर में।
आगे संग चल दियो यार। बावले। चार। एक बात समझ में आ रही यार। क्या? कि अनीता भाभी ने यार जब पार्टी किस बात की दे रही यार? जालिमो, जरूर अनीता भाभी को ना बहुत बड़ो फायदो भयो होगो। मैंने भी उड़ते उड़ते सुना है। क्या खबर? कैसी खबर? कौन सी खबर भैया? अबे यही कि अनीता भाभी का कोई रिश्तेदार उनके नाम पे करोड़ों रुपया छोड़ गया है। अब तो विभूति है कि ऐसी ऐसे। अरे भाभी 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 नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी। हाय। हेलो 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 हेलो। प्लीज प्लीज सिट डाउन। प्लीज प्लीज सिट डाउन। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए आइए। वेलकम। हेलो हेलो अंगूरी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो भरभूति जी। हेलो अनीता जी। अ कंक्रीट लोशन। भाभी जी को कांग्रेचुलेशंस होता है। सही पकड़े हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अंगूरी जी। थैंक यू तिवारी जी। चलिए अच्छा है भभूति जी, मुबारक हो आपको। अब तो आप भी हमारी श्रेणी में आ जाएंगे। क्या बकवास करिए आप? आपकी श्रेणी में आ जाएंगे? जब हम कुछ नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हम आपकी श्रेणी से बेटर ही थे, समझे आप? आपके कहने से क्या होता है, पूरा कानपुर जानता है कि आप ऋणी श्रेणी में आते हैं। पूरा कानपुर जानता है कि आप किस घटिया श्रेणी के हैं। क्या ये श्रेणी वो श्रेणी? हाँ बेबी, ये तंज मार रहा है याद नहीं कि मैं इसकी श्रेणी में आ गया हूँ। Can you believe this? विभू प्लीज स्टॉप इट। तिवारी जी प्लीज आप भी चुप हो जाइए। देखिए ये मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और मैं इसे सबके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। एवरीबॉडी थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे तंजानिया में एक अंकल थे जो 1.5 करोड़ की अंगूठी मेरे लिए छोड़ गए हैं। डेढ़ करोड़ का अंगूठी? मां साहब, आज से पहले आपने जिंदगी में 150 रुपए की अंगूठी भी पहनी थी क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये लो, वकील साहब भी आ गए। हेलो हेलो। वो अंगूठी? थैंक यू मैडम, ये रही आपकी अंगूठी। अब आगे बैठ सकते हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड विमो। या ओपन इट ओपन इट ओपन इट। स्पीचलेस। खोल दो। दिखाओ ना भाई सबको खोल के। अच्छी लगेगी ना? कोर्स ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड इट्स अ रॉक। इट्स सो प्रीटी। ओह माय गॉड। तिवारी जी तिवारी जी देखिए, देखो देखो प्रेम, देखो 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 टिल्लो, देखो तो सही। अनीता जी अंगूठी तो बहुत ही सुंदर है और आपके गोरे गोरे हाथों पर ना और भी अच्छी लगेगी। थैंक यू अंगूरी जी, थैंक यू। नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगी इसे भाई, मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। कल को किसी ने मेरा किडनैप कर लिया तो? भाभी जी आप काहे चिंता कर रही हैं, आपकी तरफ कोई नजर उठा के भी ना देख पाएगा। हम आपकी सुरक्षा में सक्षम खड़े रहेंगे। बेसिकली वॉचमैन है। आपकी दारी शुरू कर दी है। तिवारी जी प्लीज आप अपना तत्पर अपने पास रखिए, सबको पता है कि आप कितने डरपोक हैं। भाई सुनो, 100 गिद्ध मरे थे तो ये पैदा हुए थे। बेबी मैं तुम्हें ये अंगूठी पहना दूं? गाइस तालियां तालियां।